हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने छोटे छोटे हर एक मोमेंट में अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा पैसा, नाम, शोहरत पाकर ही लोग खुश नहीं होते। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कि सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, है ना। उनके पास नेम होता है, फेम होता है, पैसा होता है, पावर होती है, सब कुछ होता है, बट फिर भी क्या उनके अंदर क्या चीज़ रह जाती है जो वो सुसाइड कर लेते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नेम फेम की कमी नहीं है, फिर क्यों वो सुसाइड करते हैं। उनके पास कमी होती है अंदर की खुशी की, ज़्यादा पाने की इच्छा की, जो चीज़ वो पहले से ही अपने माइंड में सेट कहीं ना कहीं कर लेते हैं और उसको एकदम से अचीव वो नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो वहाँ पर लोग वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैसा और नेम फेम भी वैल्यू नहीं करता, खुशी अंदर से होती है इंसान के। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, आपको अच्छा दो तीन वक्त का अच्छा भोजन मिल रहा है, रहने के लिए छत है, घर है, मकान है, इन छोटी छोटी की चीज़ों के लिए आप खुशी महसूस करें, आभार व्यक्त करें परमात्मा का। पता है आपको एक बार की बात है, मतलब देखिए, हम खाना खाते हैं, कुछ वेस्ट करते हैं घरों में। वैसे मैं अपनी पर्सनल आदत बताऊँ, मैं कभी भी अपनी प्लेट में खाना झूठा अपना नहीं छोड़ती, लेकिन घर में अगर और सदस्य छोड़ देते हैं, जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज कोई भी हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी आदत है, मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं खाना खा सकूँ, मैं खाना कभी भी झूठा नहीं छोड़ती। मैंने एक बार देखा कि हम गए हुए थे कहीं पे, वहाँ पर एक चाट के ठेले के पास हम खड़े थे, वहाँ पर दो बच्चे सब्जी कचौरी हम वहाँ पे खा रहे थे और भी चाट के ठेले लगे हुए थे। वहाँ पर दो बच्चे, वो जो झूठा बचा हुआ बच जाता है और हम फेंक देते हैं, और भी लोग फेंक रहे थे, तो वहाँ पर से उन बच्चों ने क्या करा, उन झूठे पतलों में से सब्जी को इकट्ठा करके एक डोंगे में भर लिया, कागज़ के वो डोंगे, जो पत्ते के डोंगे होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, उसमें बच्चे इकट्ठा कर रहे थे, और वहीं से जो झूठा पूरियों के टुकड़े, कुछ कचौरियों के टुकड़े बचे हुए, तो वो बच्चे वही उठा उठा कर खा रहे और उसी में खुशी महसूस कर रहे। मतलब देख के इतना फील होता है कि वो देखो वहाँ पर भी वो खुश हैं, लोग किस हाल में भी खुश हैं, और तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हैप्पीनेस एक अंदर से होती है। तो हमेशा हर एक चीज़ का शुक्रिया करें। तो हमने उन बच्चों को बुलाया और उनको खाना वाना खिलाया, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। देखो वो उस हाल में भी खुश हैं, लोग उस हाल में भी खुश होते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं होता, खाने को भी वो इंजॉय कर रहे हैं किस तरीके से उठा उठा करके। तो हमें हर एक चीज़ का आभार व्यक्त करना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना, हर चीज़ में खुशी ढूंढते हो, ये फ़ोन भी आप देख रहे हो ना, इसके लिए भी भगवान को थैंक यू बोले, ईश्वर से शुक्रिया करें, इससे आपके वाइब्रेशन एकदम से हाई होते हैं। जब आप कभी भी किसी कंप्लेंट में नहीं होते, तब आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में होते हैं, खुशी में होते हैं, आपके वाइब्रेशन एकदम से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जब आप अपने आप की खुशी में रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है खुश रहना जीवन में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने वाइब्रेशन को हाई रखें। कोई टेक्निक वेक्निक काम नहीं करती यार, करेंगी जो आप टेक्निक काम टेक्निक आपने लगा ली, आप पूरे दिन नेगेटिव हो, रो रहे हो, धो रहे हो, तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम नहीं करेगा। आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए। ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी पावरफुल टेक्निक है, इससे बड़ी कोई टेक्निक नहीं है। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।